सरोकार। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले जो लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं वो कार्रवाई होने पर एजेंसियों पर हमला करते हैं। केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा। बंगला छोड़ने के नोटिस पर राहुल बोले आदेश मानूंगा, घर से अच्छी यादें चुनी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा, जनता का गठबंधन योगी मोदी के साथ है, सपा का कुनबा इस बार भी होगा साफ। कानपुर जू में सारस से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, कहा सरकार को सांड सफारी बनाना चाहिए, उमेश पाल पर हमला, इंटेलिजेंस का फेलियर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 2 और प्रवर्तन जोन 7 की टीम ने कार्रवाई की है, जिसके तहत शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग व मैरिज लॉन समेत 4 अवैध निर्माणों को सील किया गया। वहीं पीजीआई थाना क्षेत्र में लगभग 1600 वर्ग फीट के भूखंड में बेसमेंट और भूतल का निर्माण भी सील किया गया। आगरा फतेहाबाद रोड पर इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। एसीपी सदर सहित थाना ताजगंज पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर इस्पात सेंटर संचालक से पूछताछ कर रही है, साथ ही पुलिस इस्पात सेंटर में लगे सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। आगरा के थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित इस्पात सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है। देवरिया जिला कलेक्ट्रेट में स्थित कोषागार कार्यालय में तैनात बाबू दिनेश उपाध्याय को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। बता दें कि लार थाना क्षेत्र के नेमा गांव निवासी की शिकायत पर गोरखपुर से आई ट्रैप टीम प्रभारी उदय प्रताप सिंह और उनकी टीम ने ट्रेजरी ऑफिस में तैनात बाबू दिनेश कुमार उपाध्याय को पेंशन बनाने के बदले में 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसे देख जिले के सभी विभाग के कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं एंटी करप्शन टीम ने देवरिया कोतवाली ले जाकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। फिरोजाबाद में पति और बेटे ने मिलकर महिला की हत्या कर दी है। बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते पति ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को कंडों के बिटोरे में रख कर जला दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को चिता से निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक शव पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। पुलिस ने मृतिका की बेटी की तहरीर पर पति और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना जसराना के सयोटा गांव का सनसनीखेज मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना विजय नगर के गौशाला इलाके में एक शादीशुदा कामकाजी महिला को गोली मार दी गई। महिला का आरोप है कि तकरीबन 1 साल पहले शादाब एक शादी में उनसे मिला था, उसके बाद से ही उससे टच में रहने लगा। कुछ दिनों में वह महिला को होटल बुला रहा था, लेकिन महिला ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी शादाब ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और इसी के चलते युवक ने महिला पर गोली चला दी। सरेआम गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया, जिसके बाद महिला को आनन फानन में पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों को लगा दिया है। राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बास मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बास मंडी में बड़े पैमाने पर रद्दी पेपर कबाड़ का काम होता है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ लोग खाना बना रहे थे, जिसके कारण रद्दी पेपर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक आग काफी दूर तक फैल गई।
अगल बगल बड़ी मोटरसाइकिल और कार भी आग के कारण जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में थाना क्षेत्र मटसेना का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर बेहड़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि बेहंड वाली माता डकैतों की माता कहलाती थी, जो कि आज आगरा मंडल में प्रसिद्ध है, जहां लोगों की मान्यता है कि जो सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, माँ उसकी मनोकामना को पूरा करती है। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला अधिकारी कैंप कार्यालय और कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे दिया, जहां चोरों ने एक दुकान की छत काटकर और दूसरी दुकान का शटर उठाकर लाखों रुपए की सामान चोरी कर फरार हो गए, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। हाँ, तो हमें अभी देखा के तो उनके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मेरे भी पेंचर लगाया हुआ, एक का हुआ था मेरा। और कुछ नहीं, यहाँ पे सही से गश्त नहीं होती है भाई। अगर गश्त हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों क्या कह रही है। इस समय हम ना रहे थे, इसके बाद में मोहल्ला के लोग हैं खुलने में आए, तो मार्केट से उन्होंने कहा कि भाई दुकान में बहुत भीड़ लगी है, अभी दुकान चोरी हो गई। इसके बाद भाई पड़ोसी का गए, इसका फल पहुँचा भाई का चोरी हो गई। उसके बाद हम आए यहाँ देखा कि यहाँ जो है जवाब काट की है, जो फ्रेंड से जवाब काट की है। बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने एक ट्रैक्टर, बुलेट, मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। दरअसल किसान 3 दिन पहले ट्रैक्टर से अपने खेत जा रहा था, जिसमें किसान को दिन दहाड़े तमंचे की बट से घायल करके 30 फुट गहरे कुएं में फेंक दिया गया। वहीं SSP श्लोक कुमार ने पुलिस टीम को पुरस्कार दिया। ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर सिकरी गाँव के पास का बताया जा रहा है। दिनांक 24/3/2023 को समस्तपुर के जंगल में एक कृषक अपने सतीश कुमार नाम का, जो अपने खेतों पे ट्रैक्टर चला रहा था, वहाँ पे 2 बदमाशों ने उसको ट्यूबवेल पे बंद करके उसका ट्रैक्टर लूट लिया था। उसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। आज सोंधा के पास पुलिस से और इनसी बदमाशों से बीच मुठभेड़ हुई। वहाँ पे 2 इनके साथी पकड़े गए, उनके कब्जे से ट्रैक्टर बरामद हुआ और 2 जो बुलेट मोटरसाइकिल से वो भाग लिए, जो यहाँ सीकरी के जंगलों में पुलिस की पार्टी पे इन्होंने फायर किया। इसकी जवाबी फायर में जब पुलिस ने फायर किया तो 2 बदमाशों को गोली लगी है। उनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। सेक्स विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि कप्तान साहब की तरफ से कोई इनाम भी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।